हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम बनाते हैं कचौरी, वो भी राज कचौरी। राज कचौरी में हम एक पूड़ी बनाते हैं, उस पूड़ी को हम फिल करते हैं चाट से, तो वो राज कचौरी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इस कचौरी को बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और आने वाली वीडियो के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स गो। एक कप सूजी लेंगे, सॉल्ट हाफ टी स्पून। अब हम इसे बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो बना लेंगे, क्योंकि ये रवा है तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि अच्छे से मिक्स नहीं होगा, लेकिन आप बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए, क्योंकि रवा जब आप पानी मिक्स करेंगे कुछ देर बाद फूलेगा। अच्छे से उसको मिक्स करके एक डो बना लीजिए। अगर डो थोड़ा सा लूज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब वो थोड़ी देर आप उसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो वो फूल जाएगा। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, ताकि हमारा रवा अच्छे से फूल जाए। 10 मिनट बाद हम इसको एक बार फिर से अच्छे से हाथों से गूंथ लेंगे। अब हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बनानी है, मीडियम साइज की आपको बनानी है। इसके बाद आप थोड़ा सा लोई में ऑयल लगा लें और उसको पूड़ी की तरह बेल लें। बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है इसको, आपको थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। ये देखिए, इसी तरह आप अपनी सारी पूड़ियां बेल लें। ये देखिए, हमारी पूड़ी कुछ ऐसी होनी चाहिए। चलिए अब ऑयल को हीट कर लेते हैं। ऑयल को हमें मीडियम हीट करना है। जब आपका ऑयल हीट हो जाए तब आप उसमें पूड़ी डाल दीजिए, और जैसे जैसे पूड़ी फ्राई होगी वो कलर चेंज करेगी। जब आपको लगे कि वो एक साइड से सेक गई है तो आप उसको पलट दें। आपको उसको बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। उसके बाद आप इसको किसी प्लेट में निकाल लें और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। एक बोल में हम दही ले लेते हैं, उसमें हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे और 1/4 चम्मच काला नमक डालेंगे। उसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चलिए अब हम प्लेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम अपनी पूड़ी को रखते हैं और उसमें बीच में ब्रेक कर देते हैं, ताकि हम अपनी चाट को उसमें फिल कर सकें। ये देखिए, इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिक पीस डाल दिए हैं, मूंग दाल डाल दी है, थोड़े से पोटेटोज डाल दिए हैं। अब हम इसमें दही भी डाल देंगे, और इसी तरह हम इसमें अपनी बाकी सारे मसाले और चटनियां भी डाल देंगे। उसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे।